सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड, दिस इज वीजे बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी एंटी रोलबैक फीचर इनेबल्ड वाले MIUI फोन में आप कैसे TWRP या कोई भी कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं परमानेंटली। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आप समझ जाएं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आपके फोन में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए कि आपका डिवाइस का जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। एंड अगर आप नहीं जानते कि अपने डिवाइस के बूट लोडर को कैसे अनलॉक करना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं एंड सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो डिवाइस का बूट लोडर हो वो सक्सेसफुली अनलॉक हो जाए। सो MIUI 10 में जब ओरियो अपग्रेड आया तो उसके साथ एंटी रोलबैक फीचर भी इनेबल्ड हो गया एंड इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता कि एंटी रोलबैक फीचर वो होता है कि मतलब आप लेटेस्ट फर्मवेयर पे हैं तो आप पीछे वाले फर्मवेयर पे नहीं जा सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फोन ब्रेक हो जाता है। सो जब एंटी रोलबैक फीचर आया तो इसमें हम TWRP रिकवरी भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे एंड हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एरर देखने को मिल रहे थे। सो हमें TWRP की रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें किसी भी एंटी रोलबैक फीचर इनेबल्ड वाले डिवाइस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के लिए TWRP रिकवरी या रेड वुल्फ रिकवरी या जो भी कस्टम रिकवरी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए। एंड उसके अलावा आपको दो फाइल और डाउनलोड करनी है, एक फाइल है adbtools.zip फाइल एंड जो दूसरी फाइल है वो है lazyflasher/noverify/otp/encrypt.zip फाइल। एंड दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन में जाके ये दोनों फाइल को डाउनलोड करें। सो आपको adbtools.zip फाइल को अपने PC में डाउनलोड करना है एंड उसके साथ आपको TWRP रिकवरी भी कॉपी करनी है उसी फोल्डर में। एंड आपको अपने फोन में lazyflasher/noverify/otp/encrypt.zip फाइल के साथ TWRP रिकवरी को भी कॉपी करना है। सो नाउ रिकवरी को फ्लैश करने से पहले आपको सेटिंग्स में जाना है एंड यहां पर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शन में जाना है। यहां पर आपको USB डीबगिंग मोड को ऑन करना है, मेक श्योर करें कि USB डीबगिंग मोड आपके फोन में ऑन हो। सो इसको ऑन करने के बाद आपको अपने फोन को पावर ऑफ करना है। सो आपको ADB फोल्डर के अंदर जाना है। सो ADB फोल्डर में आपको अपने फोन की TWRP या जो भी रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हैं उसको कॉपी करना है एंड यहां पर आपको शिफ्ट प्लस राइट बटन ऑफ माउस को एक साथ दबाना है एंड आपको यहां पर ये विंडो दिखाई देगा जहां पर आपको ओपन पावरशेल विंडो हेयर का ऑप्शन मिलेगा विंडोज 10 यूजर के लिए एंड विंडोज 10 से जो नीचे वाले यूजर हैं उनको यहां पर ओपन कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। सो आपको उसमें क्लिक करना है एंड नाउ आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड में इनेबल करना है। सो फास्ट बूट मोड में इनेबल करने के लिए आपको पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखना है अंटिल आपको ये फास्ट बूट मेन्यू दिखाई देगा एंड आपको USB केबल से अपने फोन को कनेक्ट करना है। देन आपको अपने PC में टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस एंड आपको एंटर प्रेस करना है एंड यहां पर आपको अपना डिवाइस जो है वो फास्ट बूट मेन्यू में दिखाई देगा एंड इसके बाद आपको टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस बूट स्पेस आपके जो रिकवरी का नाम है उसे आपको कॉपी करना है, जैसे कि मेरे में TWRP ये जो भी है इसका नाम को आपको कॉपी करना है एंड इसे आपको यहां पर पेस्ट करना है एंड लास्ट में आपको .img डालना है। सो इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है एंड आपका फोन जो है वो TWRP या जो भी रिकवरी आपने बूट की है उसमें बूट होगा। बट यहां पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वीडियो को अभी भी देखते रहिए आगे। एंड नाउ आप अपनी डेटा केबल को निकाल सकते हैं। सो नाउ TWRP रिकवरी में जब फोन बूट हो जाएगा आपको यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको वो जो रिकवरी जहाँ डाउनलोड की है उस फोल्डर में जाना है एंड वहाँ पर आपको इंस्टॉल इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। सो वहाँ पर आपको TWRP या जो भी रिकवरी आपने डाउनलोड की है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको रिकवरी सेलेक्ट करना है एंड आपको स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करना है। सो इमेज फ्लैश करने के बाद आपको बैक जाना है एंड यहाँ पर इंस्टॉल जिप में क्लिक करना है एंड आपको lazyflasher/noverify/otp/encrypt.zip फाइल को फ्लैश करना है एंड मेक श्योर करें कि ये फाइल को जरूर फ्लैश करें बिकॉज ये फाइल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाइल है। इस फाइल को आप फ्लैश नहीं करेंगे तो आपकी TWRP रिकवरी दोबारा रिमूव हो जाएगी। सो आपको इसमें क्लिक करना है एंड इसे स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करना है। सो इस फाइल के फ्लैश होने के बाद आपको अपने फोन को रिबूट सिस्टम करना है एंड डू नॉट इंस्टॉल में क्लिक करना है।
एंड फोन बूट होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि DWRP रिकवरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। उसके लिए आपको अपने अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर तीन डॉट्स आपको मिलेंगे राइट कॉर्नर पे, एंड आपको यहाँ पर रिबूट टू रिकवरी मोड में करना है। सो, अब देखते हैं कि हमारा जो फोन है वो कौन सी रिकवरी में बूट होता है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है TWRP रिकवरी में सक्सेसफुली बूट हो रहा है, मतलब कि हमने अपने फोन में TWRP रिकवरी या जो भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी थी वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी है एंटी रोलबैक फंक्शन होने के बावजूद। सो, आप इस तरीके से किसी भी फोन में जिसमें एंटी रोलबैक फीचर इनेबल्ड है उसमें TWRP रिकवरी को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इस मेथड से आपके फोन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एंड नाउ आपको जो फ्लैश करना हो आप वो फ्लैश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिकॉज आप सभी के लाइक से मेरा मोटिवेशन है। एंड अगर आपको हो कोई क्वेरी, डाउट या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इवन आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।